Hello friends, welcome to Unacademy Rise. This is me Dr. Siddharth Arora and today my friends, मैं वो टॉपिक कर रहा हूँ जो actually, I don't know why, but actually हमको बहुत पहले होना चाहिए था in case of Laxmikanth also. Why? Because ये एक ऐसा part of the constitution है, this is that part of the constitution, this is that organization, this is that commission, जिसके बिना rest of the story कुछ matter ही नहीं करती my friends, right? This is the topic of Election Commission of India, my friends. You know, तुम्हें लगेगा ये topic इतना पीछे रखा हुआ है, right? और रखना भी चाहिए for you know sake of writing convenience. लेकिन in terms of importance ये unsung hero है, my friend. इसे ना unsung heroes बोलते हैं. ये वो unsung hero है. क्यों? क्योंकि इनके बिना Election Commission of India अगर अपना काम ठीक से ना करे ना, तो हम ये जितनी बातें आज तक करते हुए सब waste है. Democracy is based upon election by the people, of the people, for the people, जो free and fair and regular and timely हो. अगर ये कमीशन अपना काम ठीक से ना करे या फिर हम उन्हें अपना काम करने ना दे, the entire story falls, right? Because the entire game is कि क्या हम एक popularly elected government जो कि free and fair and regular timely elections के थ्रू आई है, क्या हम ऐसी गवर्नमेंट बना सकते हैं या नहीं? अगर नहीं तो बेटा there is no difference between democracy and dictatorship, and जब there is no difference between democracy and dictatorship और अगर हमारे पास democracy नहीं रहेगी तो जो कुछ तुमने हमने पहले पढ़ा है constitutionalism, secularism, socialism, sovereignty, everything is purely words, my friends, because जब तक we the people decide नहीं होता, बाकी story does not matter, right? So let us pay attention to this part. मैं इस topic को around 2 या 3 parts में divide करूँगा. आज is an introductory part, so we will first look at the structure and the overall functioning of the ECI. फिर हम लोग elections को अलग से कर लेंगे, ताकि तुम्हारा really preparation हो जाए with regards to your civil service exam. Another important point, my friends, with regards to the plus platform, बेटा समय आ गया है, okay? मैंने बहुत बार तुम्हें पहले भी बता दिया है, but the समय आ चुका है that you take a call on this part, okay? You take a final decision on this part. मैं तुम्हें जैसे you know ऐसा आमतौर पे हमको observations मिलती है कि you know teachers का feedback होता है, institutions का feedback होता है, वैसे मेरे हिसाब से ये भी हक होना चाहिए और ये भी ज़रूरी है कि स्टूडेंट्स का फीडबैक होना चाहिए. मैं जब प्लस कोर्सेज पे you know, हमारे प्लस कोर्सेज पे hundreds of people have joined, जब मैं प्लस कोर्सेज पे देखता हूँ आई एम सो इम्प्रेस्ड बाय द एंथुजियाज्म एंड द एनर्जी लेवल्स ऑफ माई स्टूडेंट्स. जो तुम में से ही कितने लोगों ने हमें ज्वाइन किया है, इतना अच्छा लगता है. इट्स सच अ ब्यूटिफुल गिव एंड टेक और मैं आई एम इंश्योरिंग कि उनकी रॉक सॉलिड प्रिपरेशन हो जाए. लेकिन मैं जब नोटिस कर रहा था, जब शुरू की क्लासेस में स्पेशली, कि यार कितना बेसिक्स में प्रॉब्लम है, लोगों को बेसिक्स नहीं मालूम है. मेरा फ्रेंड्स एक सवाल उठ जाता है इस बात पे, क्या सोच के मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स चले जाते हैं सिविल सर्विसेज में? यू नो सरदार बड़ा खुश होगा, शाबाशी देगा, अरे नहीं देगा माई फ्रेंड, उड़ा देगा वो एग्जाम में. बेसिक्स नहीं मालूम है माई फ्रेंड्स, एंड देयरफॉर मेरा एज एन एजुकेटर, एज अ लॉयर, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू एंश्योर कि यार थोड़ा इतना तो कर लो, ठीक है यार, ताकत है, एंथुजियाज्म है, स्पिरिटेड है, वेल इंटेंशनड है, अपना सब्जेक्ट कंट्रोल ले लो. और वो सब्जेक्ट कंट्रोल लेने का एक ही तरीका होता है कि तुम्हारे पास प्रोफेशनल कोचिंग हो, प्रोफेशनल मेंटोरिंग हो. प्लीज़ उन लोगों की बातों में मत आओ जो खुद तो कुछ करेंगे नहीं और तुम्हें भी साथ ले डूबेंगे, ओके? उनका कोई फ़ायदा नहीं जो यहाँ पर कमेंट्स करने लग जाते हैं, सर हम तो खुद अपनी कोचिंग से कर रहे हैं. 5 मिनट नहीं टिक सकते माय फ्रेंड्स, एक्सेप्ट दैट 0.1% जो बिल्कुल एक्सट्रीम जीनियसेस होते हैं, जो मैनेज कर जाते हैं वो एग्जाम. सब लोग नहीं होते माय फ्रेंड्स, ओके? सो उन लोगों की बेकार की बातों में मत आ जाओ, हम खुद कर लेंगे, हम लक्ष्मीकांत से पढ़ लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे. वो खुद भी कुछ नहीं करने वाले, वो नाम बदल के अगले साल फिर ट्रोलिंग करने वाले, उनका कुछ काम धाम नहीं है, ओके? अपना करियर बनाओ. यू विल हैव प्लस एजुकेटर्स ऑन प्लस प्लेटफॉर्म्स. बेस्ट द एजुकेटर्स इन इंडिया विल बी अवेलेबल. तुम अपने टाइम स्केड्यूल के अनुसार पढ़ाई कर सकते हो. और ये सब कुछ तुम्हें पूरा 1 ईयर कोर्स, सारे के सारे सब्जेक्ट्स तुम्हें मिल जाएंगे 40,000 रुपीज में फॉर एन एंटायर 1 ईयर. इसमें भी थोड़ा पैसे बचाओ. यूज दिस कोड SID, ओके, SID कोड यूज करो, प्रेस अप्लाई बटन, यूल गेट अ 10% डिस्काउंट. माय फ्रेंड्स, बड़ा जरूरी है, ओके. प्लीज आप फिर से मैं बोल रहा हूं, मनी 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 मत बोलते रहा करो. मनी इज ऑलवेज अ रियलिटी ऑफ लाइफ. वैल्यू 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 पूछा करो, ओके. इज इट वैल्यूएबल और नॉट, इज इट रीजनेबल और नॉट, इज इट इफेक्टिव और एफिशिएंट और नॉट, देन टेक अ डिसीजन, ओके. सिमिलरली दिस इज फॉर माय कॉलेज फ्रेंड्स. मेरे कॉलेज फ्रेंड्स के लिए इससे बेटर कुछ नहीं. 2 ईयर का कोर्स मिलेगा 64,000 में, सारे सब्जेक्ट्स, ऑलराइट. यूज दिस कोड SID, प्रेस अप्लाई बटन, यू विल गेट एन इमीडिएट 10% डिस्काउंट. 57,600 में सारे सब्जेक्ट्स फॉर 2 years along with test series, unlimited number of doubt sessions, unlimited number of downloads. मुझे नहीं लगता इससे बेटर कोई ऑप्शन तुम्हारे पास अवेलेबल है. Either ways, करना क्या है, गेट सब्सक्रिप्शन पे जाओ, ओके. चूज 12 मंथ्स, चूज 24 मंथ्स, जहां पर ये रेफरल कोड का आएगा, ओके. थोड़े पैसे बचाओ, यूज SID, 10% डिस्काउंट ले लो, एंड यू विल सी कोर्सेस लाइक दिस. ऐसा मेरा कोर्स दिखाई देगा, कंप्लीट कोर्स ऑन पॉलिटी, गवर्नेंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस. जब ऐसा ये वाला जो मैंने स्टार्ट कर दिया है, 77 लेक्चर्स लूंगा, ओके, जनवरी 2020 तक, और तुम्हारा पॉलिटी, तुम्हारा गवर्नेंस और तुम्हारा इंटरनेशनल रिलेशंस का टॉपिक खत्म, ओके. खत्म मतलब खत्म, एब्सोल्युटली खत्म. देयर विल बी नथिंग लेफ्ट ऑन दिस पार्ट. So I don't think there's any point wasting. We are already in the first week of October. Let's kickstart our preparation. I welcome you on my plus courses. आज का टॉपिक, आज हम कर रहे हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ओके. नाउ प्लीज अंडरस्टैंड दिस. थोड़ा सा इन वर्ड्स को ध्यान से देख लो. जब आप इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को देखते हो, ओके, तो आपको आर्टिकल 324 पढ़ना है. और जब आर्टिकल 324 पार्ट 15 में देखोगे तो आपको दिखाई देगा दैट द सुपरिटेंडेंट्स डायरेक्शन एंड कंट्रोल, यही 3 वर्ड्स यूज करना, चौथा वर्ड यूज मत करके आ जाना, ओके. द 3 वर्ड्स आर सुपरिटेंडेंट्स डायरेक्शन एंड कंट्रोल. द सुपरिटेंडेंट्स डायरेक्शन एंड कंट्रोल ओवर द एंटायर इलेक्टोरल प्रोसेस ऑफ इंडिया, ओके. ओवर द एंटायर इलेक्टोरल प्रोसेस ऑफ इंडिया, ओके, इज ऑन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया. इज बीन गिवन टू द ECI. मतलब सर हम स्टेट्स के लिए स्टेट इलेक्शन कमीशन करना चाहिए था ना? नहीं बेटा, ऐसा कुछ भी नहीं है. द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द इलेक्शंस ऑफ इंडिया, दैट इज ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट. प्लीज बाद में मैं तुम्हें बताऊंगा म्यूनिसिपैलिटीज एंड पंचायत का नहीं है, लेकिन द यूनियन गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट्स के जितने भी इलेक्शन है वो सारे के सारे विल बी गेटिंग सुपरिटेंडेंस डायरेक्शन एंड कंट्रोल. ये 3 वर्ड्स लिख लेना. ये आर्टिकल 324 में प्रोवाइडेड है. ये कितना इंपॉर्टेंट लाइन है, ये इस बात में थोड़ा सा सोचो, ओके. देखो प्लीज अंडरस्टैंड दिस. कहीं ना कहीं हम जब ऑटोनॉमी वर्ड यूज करते हैं, व्हेन वी यूजिंग द वर्ड ऑटोनॉमी, तो हम एक पैराडॉक्स से डील कर रहे हैं. पैराडॉक्स क्यों है? क्योंकि प्लीज अंडरस्टैंड, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हो, चाहे कोई भी कमीशन ऑफ इंडिया हो, फॉर दैट मैटर सेंट्रल विजिलेंस कमीशन हो, फॉर दैट मैटर CBI हो, फॉर दैट मैटर CAG हो, कोई भी हो, या वो कहीं ना कहीं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली स्टेट ही तो अपॉइंट करेगा, यस और नो. तो कहीं ना कहीं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली स्टेट ही तो उसको इन्वॉल्व करके अपने आप इलेक्ट करेगा या बनाएगा या कंस्ट्रक्ट करेगा, वट एवर यू वांट टू से, अपॉइंटमेंट हो, नॉमिनेशन हो. तो स्टेट और कोई भी कमीशन कंप्लीटली एक दूसरे से अलग तो हो ही नहीं सकते ना माय फ्रेंड्स. आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग, इट इज नॉट पॉसिबल. प्रेसिडेंट साहब भी अपॉइंट करेंगे. तो अब इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे, तो एक क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि सर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कौन कौन से इलेक्शंस कर लेते, ओके. सो इफ यू नोटिस ऑन दिस, तो सॉरी, टॉपिक इतना भारी है, माइक ही गिर गया. इमेजिन. ऑलराइट, नॉनदलेस. नाउ इफ यू नोटिस ऑन दिस, द पार्लियामेंट, द स्टेट लेजिस्लेचर, प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट. मैं फिर बोल रहा हूँ, पार्लियामेंट, द स्टेट लेजिस्लेचर, द प्रेसिडेंट एंड द वाइस प्रेसिडेंट, इन सबका इलेक्शंस ECI कंडक्ट करता है. सर ये तो बड़ी अजीब सी बात होगी ना. अब थोड़ी से देखोगे तो मैंने तुम्हें अभी अभी बोला, चाहे कोई भी कमीशन हो, चाहे कोई भी कमीशन हो, द कमीशन विल बी द वन विच विल बी अपॉइंटेड बाय द स्टेट आइदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। ठीक है सर, तो इसका ऑटोमेटिक मतलब यहां पर यह है कि अगर द स्टेट इज कंडक्टिंग इलेक्शंस, राइट, और स्टेट अपने ही इलेक्शंस का के लिए ईसीआई बना रहा है, देयर इज अ पॉसिबिलिटी, बहुत छोटी सी पॉसिबिलिटी, बट देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो जाए। तो आप बोलोगे सर प्रेसिडेंट साहब खुद ही अपॉइंट करे ईसीआई और ईसीआई खुद ही प्रेसिडेंशियल इलेक्शन करे, देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होने का। तो बेटा कुछ भी हो सकता है, बट फिर भी हमें रन करना पड़ेगा बिकॉज हम फुल फेथ एंड क्रेडिबिलिटी पे फंक्शन करते हैं। तो जब हम ऑटोनॉमी एज अ वर्ड यूज करते हैं तो अपने आप में इट इज अ वेरी मेजर पैराडॉक्स, इसलिए हमको हमेशा लिमिटेड ऑटोनॉमी की बात माननी पड़ती है। और ये क्वेश्चन तुम्हें समझने पड़ेंगे कि हम पार्ट ऑफ द सिस्टम है, वी आर नॉट सिस्टम अनटू माई सेल्फ। ओके, तो ईसीआई ओके सुपरिटेंडेंस डायरेक्शन एंड कंट्रोल करता है, राइट, ड्यूरिंग इलेक्टोरल प्रोसेस। और हम बाद में इसको देखेंगे जब हम आगे पढ़ते चले जाएंगे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस, और नेक्स्ट टाइम मैं जब इसको इलेक्टोरल प्रोसेस के फॉर्म में करूंगा तब तुम्हें समझ में आ जाएगा कि पूरा का पूरा स्ट्रक्चर, ओके, पूरा का पूरा स्ट्रक्चर ऑफ ईसीआई लेफ्ट राइट सेंटर हो जाता है। ओके, विद रिगार्ड, जैसे ही इलेक्शन डिसाइड होते, जब इलेक्शन डिसाइड होते हैं ना माय फ्रेंड्स, जैसे ही इलेक्शंस डिसाइड होते हैं उसके बाद ओके तुम ईसीआई से मतलब अमंग्स द मोस्ट पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन हो जाती है, बिकॉज हम चाहते हैं सुपरिटेंडेंस डायरेक्शन एंड कंट्रोल ऑफ इलेक्शंस जितना पॉसिबल हो स्टेट से दूर हो जाए। मैंने ये तुम्हें बोला था, रिलेटिव ऑटोनॉमी हट जाए और जितना ज्यादा हो सके वो ऑटोनॉमसली फंक्शन करेगा। तो अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को रियल पावर में देखना है तो तब देखना होता है जब अनाउंसमेंट ऑफ इलेक्टोरल प्रोसेस हो जाए या इलेक्शन अनाउंस हो जाए। ये कहां दिया हुआ है? ये आर्टिकल 324 में दिया हुआ है। अब तुम्हें मैंने पता है कि सर कौन से इलेक्शंस में ईसीआई का रोल होता है। द ईसीआई विल डू द सुपरिटेंडेंस डायरेक्शन एंड कंट्रोल, सुपरिटेंडेंस डायरेक्शन एंड कंट्रोल ओवर द एंटायर इलेक्टोरल प्रोसेस ऑफ पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर, वाइस प्रेसिडेंट एंड प्रेसिडेंट। ये बड़ा जरूरी है कि प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट का, ये तुम्हें याद होगा, एक इलेक्टोरल कॉलेज बनता है। अगर वो इलेक्टोरल कॉलेज वाली स्टोरी याद है तो याद रखना, इलेक्टोरल कॉलेज जो है वो ईसीआई बनवाता है, राइट। प्रेसिडेंशियल और नोटिफिकेशन होती है वो ईसीआई बनवाता है। सो मेक नो मिस्टेक अबाउट इट, ये सारा का सारा प्रोसेस इज इलेक्टोरल प्रोसेस ईसीआई का हाथ में, राइट सर। लेकिन आपने बोला नॉट फॉर म्यूनिसिपैलिटीज, नॉट फॉर पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। देखो तुम्हें याद होगा मेरे प्रीवियस लेक्चर्स में 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 पास हुआ था। यह हमने किया हुआ है सेल्फ गवर्नमेंट्स में। 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 जो कि एनफोर्स हुआ 24 अप्रैल को 1993 में। उस दिन स्टेट इलेक्शन कमीशन बनाया गया टू डील विद द इलेक्शंस ऑफ म्यूनिसिपैलिटीज एंड पंचायती राज सिस्टम। तो स्टेट इलेक्शन कमीशन फंक्शन करता है विद रिगार्ड्स टू या मैनेज करता है द इलेक्शंस ऑफ द पंचायती राज एज वेल एज द इलेक्शंस ऑफ द म्यूनिसिपैलिटीज। सो कोई मिस्टेक मत कर देना दैट यू अंडरस्टैंड कि ये कुछ और स्ट्रक्चर हो, वो कुछ और स्ट्रक्चर है, राइट। अब स्ट्रक्चर क्या है? ओके, बड़ा सिंपल सा स्ट्रक्चर है। देयर इज अ चीफ इलेक्शन कमिश्नर, देयर इज अ चीफ इलेक्शन कमिश्नर, यस देयर इज अ चीफ इलेक्शन कमिश्नर। ओके, मतलब सर देयर आर अदर कमिश्नर्स आल्सो, यस, बट अगर तुम 1950 में जाओगे ना माय फ्रेंड्स, ओके, तो तुम्हें कुछ और नोटिस करेगा कि तब सिर्फ एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर हुआ करता था, कोई और सच अदर कमिश्नर्स है ही नहीं। सो इसका मतलब क्या है कि कोई फिक्सिटी ऑफ नंबर्स नहीं है, फिक्सिटी ऑफ नंबर्स नहीं है माय फ्रेंड्स। द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज मेड अप ऑफ द चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड सच अदर नंबर ऑफ कमिश्नर्स एज द प्रेसिडेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम मे फिक्स। वेरी गुड सर, ये बहुत अच्छा है, हम फ्लेक्सिबल है। ओके बेटा, ये फ्लेक्सिबल तो तुम प्यार से बोल रहे हो, ओके, कहीं इसको आप वेरिएबल या फिर आर्बिट्ररी भी समझ सकते हो। मेरी बात समझ में आई या नहीं? ऑलराइट, यू हैव टू अंडरस्टैंड द पिक्चर। आप जब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के नंबर्स वेरिएबल रख रहे हो तो आप किसके हाथ में पावर्स दे रहे हो? यू आर गिविंग द पावर्स इन द हैंड्स ऑफ द प्रेसिडेंट हु इज फ्रॉम टाइम टू टाइम गोइंग टू फिक्स कि कितने नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ इलेक्शन कमीशनर्स होंगे। बोलने वाले आप बोलोगे कि सर ये तो अच्छी बात है ना कि जैसे जैसे काम बढ़ेगा या काम घटेगा? हम नंबर ऑफ मेंबर्स टू द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बढ़ाएंगे या घटाएंगे? बेटा एक तरीका ये भी ठीक है और एक तरीका ये भी ठीक है कि जब जब कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी चीज क्लियरली डिफाइंड नहीं होती ना माय फ्रेंड, तो देयर इज ऑलवेज अ चांस ऑफ डिस्प्यूट, देयर इज ऑलवेज अ चांस ऑफ मिसयूज। ये हमने हमेशा देखा है, चाहे वो ऑफिस ऑफ द गवर्नर के टाइम पे देखा है, या हमने आर्टिकल 356 में देखा है, या हमने ऑर्डिनेंस पावर्स में देखी है। जब भी शैल की जगह मे वर्ड आ जाता है सारी कहानी पलट जाती है। उसी तरह से यहां पर सारी कहानी पलट जा रही है। प्लीज अंडरस्टैंड, मैंने ये चैप्टर स्टार्ट करते ही बोला कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है और एक ऐसा टॉपिक है जिसके साथ आप जितनी कम छेड़छाड़ी करो ना उतना बेटर है। क्यों? क्योंकि ये हिल गया या ये अपना काम ठीक से नहीं कर पाया, तुम्हारी सारी स्टोरी हिल जाएगी। बिकॉज तुम्हारा पूरा डेमोक्रेटिक सिस्टम इज बेस्ड अपॉन फ्री, फेयर एंड टाइमली एंड रेगुलर इलेक्शन। तो सर इसका मतलब है द चीफ इलेक्शन कमीशन एंड सच अदर कमिश्नर फ्रॉम टाइम टू टाइम मे फिक्स। ये हुआ है? हाँ बेटा हुआ है। 1950 से 1950 में जब ईसीआई अपना काम करना स्टार्ट किया था तब इट वाज अ वन मेंबर्ड बॉडी और 15 अक्टूबर 1989 तक वो वन मेंबर्ड ही रहा। मतलब सर यहां पर सिर्फ एक सीईसी हुआ करता था। ओके, वन मेंबर्ड ऑर्गेनाइजेशन थी और वही अपना काम कर रहा था। मैंने तुम्हें क्या बोला? ये वेरिएबल है। अब वेरिएबल किस बेसिस पे? कि आमतौर पे तो वेरिएबल का मतलब होता है जैसे जैसे काम चेंज होगा वैसे वैसे हम लोग नंबर ऑफ ईसीआई को चेंज करते रहेंगे। 16 अक्टूबर 1989 को हमने इसको 3 मेंबर्ड बॉडी बना दिया। क्यों बना दिया? अगर तुम्हें याद है तो 61st अमेंडमेंट में हमने 21 इयर्स ऑफ एज ऑफ इलेक्शंस को 18 कर दिया था। ओके, अब इंडिया की बड़ी सॉलिड पॉपुलेशन है, तुम्हें मालूम है। अगर मैंने 21 को 18 किया होगा तो वो जो 3 साल का एज गैप वाला है उसमें कई थाउजेंड्स एंड लैक्स एंड करोड्स प्रोबेबली लोग एंटर कर गए इन द वोटर्स लिस्ट। इतना जब काम बढ़ गया तो मैंने उस काम को, उस वर्कलोड को बनाने के को डील करने के लिए मैंने एक 3 मेंबर्ड बॉडी बनाई। सो आई मेड अ 3 मेंबर्ड बॉडी। 1990 में जब ये काम खत्म हो गया हमने फिर से वो 3 मेंबर्ड बॉडी हटा दी और 3 मेंबर्ड बॉडी हटाकर हमने उसको बना दिया 1 मेंबर्ड बॉडी। और 1993 में मैंने इसको फिर से 3 मेंबर्ड बॉडी बना दिया। तुम नोटिस करो ये हो क्या रहा है? ये कंप्लीटली द चॉइस ऑफ द प्रेसिडेंट है। ओके, आमतौर पे लॉजिकली ये हो रहा है जैसे जैसे काम बढ़ रहा है हम काम बढ़ा रहे हैं तो हम मेंबरशिप बढ़ा रहे हैं। ओके, और जैसे काम हो, एटलीस्ट ये 2 एग्जांपल्स में तो ये मुझे दिखाई दे रहा है। पहले 1 मेंबर्ड बॉडी था, जब वर्क बढ़ गया तो हमने उसको 3 मेंबर्ड बॉडी बना दिया, जब काम हो गया तो हमने उसको दोबारा 1 मेंबर्ड बॉडी बना दिया। ओके, 1993 में शायद हमने सोचा ये बार बार करने का पॉइंट नहीं है, इसमें 3 मेंबर्ड बॉडी बना देते। अब तुम्हें लगा होगा कि सर अब क्या, कौन सा काम आया था? नहीं बेटा काम तो नहीं आया था, लेकिन एक और प्रॉब्लम आ गई थी और वो प्रॉब्लम सॉल्व करने का बहुत अच्छा तरीका है। ओके, मतलब जो हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर है ना और जो अदर कमिश्नर्स है उनके पास सारे के सारे पावर्स इक्वल है। उनकी सैलरी सेम है, उनके अलाउंसेस पावर्स सब कुछ सेम है, उनके पावर्स भी सेम है। ओके, इन अदर वर्ड्स देयर इज अ सीईसी एंड देयर आर ईसीस या देयर आर अदर इलेक्शन कमिश्नर। तो ये देखा जाए तो ये जो अदर इलेक्शन कमिश्नर्स है और सीईसी, इनमें पावर या सैलरी या अलाउंसेस या प्रिविलेजेस की कमी या ज्यादा या नहीं है। राइट, सो दे आर वेरी सिमिलर टू हमारे पुरानी स्टोरी जो हमने बोली थी, दे आर द फर्स्ट अमंग्स इक्वल्स। तो अगर सीईसी के बीच में बोलेंगे तो सीईसी और ईसी के रिलेशनशिप सिर्फ फर्स्ट अमंग्स इक्वल्स है। इन अदर वर्ड्स एडमिनिस्ट्रेटिव कुछ पावर्स सीईसी को ज्यादा है, लेकिन बाकी सब मैटर्स में ये 3 इलेक्शन कमिश्नर्स ही है। राइट, इन अदर वर्ड्स राइट, बट हम उनको सीईसी बोलते हैं बिकॉज जब 3 मेंबर्ड बॉडी होगी, मेरी बात समझना, जब 3 मेंबर्ड बॉडी होगी तो हम सीईसी को चेयरपर्सन बोल देंगे। हम सीईसी, जो चीफ इलेक्शन कमीशन है, उसको चेयरमैन ऑफ द इलेक्शन कमीशन डेजिग्नेट कर देंगे। ओके, तो सर इसको फायदा क्या हुआ? बेटा 1993 में इसके बाद हमने ये सोचा देयर इज ऑलवेज अ पॉसिबिलिटी। देखो हमें 2-3 चीजों में बड़ा डर लगता है। वन इज आर्बिट्रेरीनेस और वन इज कि कोई भी डिक्टेटोरियल एक्शन करना लग जाए। ओके, तो मुझे डिक्टेटोरियल एक्शन से भी उतना ही टेंशन रहती है। तो मेरा ये टेंडेंसी होगी कि अगर 1 मेंबर्ड बॉडी होगी तो वो तो यार डेमोक्रेटिक प्रोसेस नहीं है यार। तुम्हें याद है हमें डेमोक्रेसी विद इन डेमोक्रेसी चाहिए। मैंने एक वीडियो बनाया था जब हमने पॉलिटिकल पार्टीज की स्टोरी पढ़ी थी, तो हमने पॉलिटिकल पार्टीज में पढ़ा था कि पॉलिटिकल पार्टीज की से भी एक्सपेक्टेड होता है कि वो इंटरनल डेमोक्रेसी बनाए। तुमने बहुत बार नोटिस किया होगा, मैं बोल नहीं रहा हूं किन पार्टीज के बारे में, लेकिन ऐसा बोला जाता है कि कुछ कुछ पार्टीज में द इंटरनल डेमोक्रेटिक प्रोसेस बहुत अच्छे से फंक्शन नहीं करता। ओके, यूजुअली वो एक ही फैमिली के मेंबर्स बार बार उस फैमिली उसके ऑफिस बेयरर्स बन रहे हैं। तो बहुत बार ये क्रिटिसिज्म आता है कि XYZ पार्टी इंटरनल डेमोक्रेसी नहीं मेंटेन करी। तो हमें इंटरनल डेमोक्रेसी मेंटेन करने के लिए फ्री एंड फेयर इलेक्शंस चाहिए, हमें आर्बिट्रेरीनेस नहीं चाहिए, हमको ऐसा सिचुएशन नहीं चाहिए जहां पर एक ही तरह का कंट्रोल होता जाए। सो वी डोंट वांट टू डू दैट पार्ट ऑल्सो। ओके, सो हमें कहीं ना कहीं वी हैव टू लुक एट इंटरनल डेमोक्रेटिक प्रोसेस ऑल्सो। तो जब ये वन मेंबर्ड बॉडी होती है तो CEC रहता है, और CEC वन पर्सन होने की वजह से हमें इंटरनल डेमोक्रेसी नहीं नोटिस करते। तो हमने क्या नोटिस किया, अब तीन ही पॉसिबिलिटीज है। द पॉसिबिलिटी हियर इज कि सारा CEC प्लस द टू इलेक्शन कमिश्नर्स जो भी डिसीजन ले वो यूनानिमसली ले। ओके, जिसे बोलते हैं सर्वसम्मति से लिया जाए। बट देयर इज ऑलवेज अ पॉसिबिलिटी ऑफ डिस्प्यूट। ओके, अब सेकंड पोजीशन ये है कि CEC को अकेले बोल दो कि सर आप डिसाइड कर लो। ये भी नहीं अच्छा लगता हमको, क्योंकि हम नहीं चाहते, हम इंटरनल डेमोक्रेसी चाहते हैं। एंड द थर्ड एंड द लास्ट पॉसिबिलिटी इज कि यार CEC और अगर इलेक्शन कमिश्नर या इलेक्शन एंड एक और इलेक्शन कमिश्नर, तो तीन हो गए, इनके बीच में कोई डिस्प्यूट हो जाए तो इनको बोल दो तुम इंटरनली डेमोक्रेटिकली पोलिंग कर लो 2:1 के हिसाब से, जो जीता ओके उसका फैसला ले लो। ताकि आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग, हमने एक इंटरनल डेमोक्रेटिक सिस्टम बना दिया है। पिक्चर गेटिंग क्लियर, आई होप यू अंडरस्टैंड। तो तुम्हें क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ अ मल्टी मेंबर्ड इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। मल्टी मेंबर्ड इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज गोइंग टू रिफ्लेक्ट इंटरनल डेमोक्रेसी, और जब इंटरनल डेमोक्रेसी रिफ्लेक्ट हो जाती है, आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दैट देयर इज अ डेमोक्रेसी विद इन डेमोक्रेसी। राइट, सो कैसे करना है, हमें अपॉइंट करना है प्रेसिडेंट साहब के साथ। ओके, बाय द प्रेसिडेंट व्हेन अपॉइंटेड एज अ CEC, एज आई टोल्ड यू, ही विल बी द फर्स्ट अमंग सीक्वल्स एंड डेजिग्नेटेड एज अ चेयरपर्सन। बट द पॉइंट यहां पर जो तुम्हें दिखाई दे रहा है वो यही दिखाई दे रहा है जो मैंने तुम्हें पहले बोला था, दैट द इलेक्शन द CEC शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। ना मैंने किसी और को क्वालिफिकेशन की बात बोली है, ना मैंने तुम्हें कुछ ये बोला है कि कोई हाई पावर्ड कमेटी बनाई है, मैंने तुम्हें ये नहीं बात बताई है कि कोई पैनल बना है। मैंने सिर्फ बोला है ही इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। कहानी खत्म, फुल स्टॉप। ये तुम्हें अच्छा भी लग रहा होगा और थोड़ी देर बाद तुम्हें इसमें थोड़ा सा ऑकवर्डनेस भी दिखाई देगी। वील गेट डाउन टू दैट पार्ट एट अ लेटेस्ट स्टेज। ओके, सो बाय द प्रेसिडेंट वी विल ऑल्सो अपॉइंट द इलेक्शन द रीजनल कमीशनर्स। बट याद रखना, ये ECI के रिकमेंडेशंस के बिना रीजनल कमिश्नर्स नहीं अपॉइंट होंगे। ऑलराइट, सो ऑल द मेंबर्स ऑफ द CEC, ऑल द मेंबर्स अदर इलेक्शन कमिश्नर्स अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, एंड इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जैसा जैसा रिकमेंडेशन देगा उस हिसाब से प्रेसिडेंट साहब विल अपॉइंट द अदर रीजनल कमिश्नर्स ऑफ इंडिया। जितनी भी कंडीशंस ऑफ सर्विस है विल बी डिटरमाइंड बाय द प्रेसिडेंट। तुम नोटिस करते जा रहे हो, और आई होप तुम नोटिस कर रहे हो, क्योंकि ये क्वेश्चन बाद में आएगा। ओके, मैं तुम्हें तब पूछूंगा कि ये तुम नोटिस करोगे कि सर ये कहीं ना कहीं बार बार जाके प्रेसिडेंट पे कहानी रुक रही है। ओके, इट इज कमिंग इन टू द हैंड्स ऑफ द यूनियन एग्जीक्यूटिव, इट इज कमिंग इन द हैंड्स ऑफ द यूनियन एग्जीक्यूटिव। बात समझो मैं क्या बोल रहा हूं। ओके, ना ये कॉन्स्टिट्यूशन में मार्क्ड लिखा हुआ दिख रहा है, ना ये मुझे यूनियन लेजिस्लेचर में दिख रहा है, ना मुझे स्टेट लेजिस्लेचर में दिख रहा है, मुझे ये यूनियन एग्जीक्यूटिव में वेस्टेड होता दिख रहा है। तो मैं अगर थोड़ा बहुत भी, अगर मेरे वीडियोस मैंने तुमने देखे हैं और तुमने इन बातों को कॉन्सेंट्रेट किया है, गौर से सुना है, तो मैंने तुम्हें कई बार बताया हुआ है कि द हाईएस्ट सोर्स इज कॉन्स्टिट्यूशन। उसके बाद हम लेजिस्लेटिव सुप्रीमेसी मानते हैं, उसके बाद हम यूनियन एग्जीक्यूटिव या स्टेट एग्जीक्यूटिव की बात करते हैं। इन अदर वर्ड्स, ये कहीं ना कहीं इज गोइंग डाउन टू द लास्ट पेडेस्टल, दैट इज हम सारे के सारी जिम्मेदारी प्रेसिडेंट साहब के हवाले कर रहे हैं। राइट, एक ऑल इंडिया बॉडी है माय फ्रेंड्स, ये एक ऑल इंडिया बॉडी है। इन अदर वर्ड्स, मैंने तुम्हें पहले भी बोला था, हमारे पास ये कोई, दिस इज नॉट सेंट्रल इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ओके, या फिर नेशनल इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ऐसा कुछ नहीं है। अगर ये नेशनल इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया होता तो मुझे एक सेंट्रल अलग से बनाना पड़ता, स्टेट अलग से बनाना पड़ता। हमने स्टेट जो अलग से बनाया है वो सिर्फ म्यूनिसिपैलिटीज और पंचायती राज सिस्टम्स के लिए बनाया है। ये जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है ये पार्लियामेंट एज वेल एज स्टेट लेजिस्लेचर के सारे इलेक्शंस प्लस द इलेक्शन कमीशन ऑफ द इलेक्शंस ऑफ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट करेगा। प्लीज डोंट मिक्स इट अप। स्टेट इलेक्शन कमीशन को प्लीज इससे मिक्सअप मत कर देना। स्टेट इलेक्शन कमीशन का काम केवल पंचायती राज एंड म्यूनिसिपैलिटी से डील करना है। इसके तीन मेन रोल्स हैं जिनका मैं बाद में वीडियोस डिटेल में बनाऊंगा, बट अभी के लिए याद करने के लिए याद रखना इसका एडवाइजरी रोल है, एडमिनिस्ट्रेटिव रोल है और क्वासी जुडिशियल रोल है। ओके, तो सर ये तीन रोल्स है विद रिगार्ड्स टू योर इलेक्टोरल प्रोसेस। विद रिगार्ड्स टू योर इलेक्टोरल प्रोसेस ईसीआई के तीन रोल्स होंगे, वन इज एडमिनिस्ट्रेटिव, वन इज एडवाइजरी एंड वन इज क्वासी जुडिशियल। खासकर ये क्वासी जुडिशियल रोल बहुत पावरफुल रोल हो जाता है विद रिगार्ड्स टू दिस, बिकॉज यहां पर जो मैं बाद में तुम्हें बताऊंगा इस आर्टिकल 329 में दैट द कोर्ट्स आर ऑल्सो बार्ड। तो ईसीआई जब पढ़ रहे हो तो ये इसको तुम कुछ अलग ही लेवल से पढ़ लो तो ज्यादा अच्छा है, बिकॉज ये सच में अलग ही लेवल है। अब ईसीआई को अपना काम करना है तो माय फ्रेंड्स थैंकलेस जॉब है, इट्स अ थैंकलेस जॉब। इलेक्शन अगर ठीक से हो गया मुबारक हो, ओके, ऐसे तो होना ही चाहिए था। और अगर इलेक्शन में कुछ भी गड़बड़ हो गई, ओके, कुछ भी गड़बड़ हो गई तो तुम्हारे मतलब ईसीआई के ऊपर इतना मैसिव क्रिटिसिज्म होगा कि भाई तुम अपना यू हैव वन जॉब, ओके, और तुम्हें इतनी सारी कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स है। प्लीज रिमेंबर यू आर अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, मजाक नहीं हो, ओके, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, और तुम अपना काम ठीक से नहीं कर पाए तो देयर इज अ वेरी डेंजरस थैंकलेसनेस इन दिस पार्ट, ओके। और वो थैंकलेसनेस में प्रॉब्लम ये हो जाती है कि मुझे अपना काम करने के लिए कई सौ दुश्मन बनाने पड़ सकते हैं, ओके, प्लीज अंडरस्टैंड। तो हमारे लिए और आपके लिए आमतौर पे इलेक्शन इज एन इवेंट, ओके, फॉर द थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ पीपल जो डायरेक्टली पॉलिटिकल पार्टीज या फिर खुद ही कॉन्टेस्टेंट्स हैं, उनके लिए ये दाल रोटी है, उनके लिए ये ब्रेड एंड बटर है, उनका ये प्रोफेशन है, उनका ये ऑक्यूपेशन है, व्हाटएवर यू वांट टू कॉल इट। अब वो दे विल गो आउट ऑफ द वे एंड देयर इज ऑलवेज अ पॉसिबिलिटी ऑफ इनडिसिप्लिन। अब जब मैं किसी के साथ कोई डिसिप्लिनरी स्टेप लेता हूँ, ओके, आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग, I can come on the wrong books or can come in the wrong books of several powerful people. तो मुझे बड़ा जरूरी है दैट मेरे पास सिक्योरिटी ऑफ टर्म है, ओके, और उसके लिए थैंकफुली इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में ऑल द इलेक्शन कमीशन इंक्लूडिंग द CEC इज नॉट एट द प्लेजर ऑफ द प्रेजिडेंट। सर ये प्लेजर ऑफ द प्रेजिडेंट क्या होता है? प्लेजर ऑफ द प्रेजिडेंट का मतलब बेटा कि अगर प्रेजिडेंट साहब चाहे, मतलब आमतौर पर द वर्ड प्लेजर ऑफ द प्रेजिडेंट, जैसे मैं तुम्हें बता सकता हूं द गवर्नर्स ऑफिस इज एट द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। सर इसका मतलब क्या कि सर द गवर्नर साहब ने अगर प्रेसिडेंट साहब की बात नहीं मानी या प्रेसिडेंट साहब इज नॉट वेरी हैप्पी विद द वर्किंग ऑफ द गवर्नर या फिर उनको नहीं जम रहा कि नहीं यार ये मेरा काम ठीक से नहीं कर रहा, ही इज नॉट डूइंग द वर्क, उनको कोई लेजिस्लेटिव अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं। इट इज एन एग्जीक्यूटिव ऑर्डर एंड उसे वो के जी बाय बाय, ओके, हम आपको निकाल रहे, आई कैन रिमूव यू। वैसा थैंकफुली इलेक्शन कमीशन के लिए साथ नहीं है। ही इज नॉट एट द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। ही कैन बी रिमूव्ड, मना नहीं है, बट ही कैन बी रिमूव्ड बाय अ लेजिस्लेटिव प्रोसीजर। अगर तुम्हें कैग साहब का रिमूवल याद है तो इट इज एग्जैक्टली ऑन दैट पार्ट, इट इज ऑन द बेसिस ऑफ प्रूवन मिसबिहेवियर एंड इनकैपेसिटी। मैं नेक्स्ट वीडियोस में ये प्रोसेस बताऊंगा, हमने वैसे कैग में किया हुआ है बट फिर भी मैं फिर से इसे अलग से बताऊंगा। सो थोड़ा सा टेन्योर सिक्योरिटी है। टेन्योर सिक्योरिटी क्या है कि 65 ईयर्स ऑफ एज तक या फिर 6 ईयर्स ऑफ टर्म तक तुम्हारा सेफ्टी है विद रिगार्ड्स टू योर सिक्योरिटी ऑफ टर्म, ओके। सो नाउ कंडीशंस ऑफ सर्विस है। सर ये तो हो गया, आपने मेरे को टर्म नहीं दिया, ओके, यू हैव नॉट गिवन मी द टर्म, ओके, फाइन, यहां तक तो क्लियर हो गई। तो आप मेरे को टर्म से पहले रिमूव तो नहीं कर रहे, बट सैलरी अलाउंसेस एंड प्रिविलेजेस, मैंने क्या बोला, द सैलरी अलाउंसेस एंड प्रिविलेजेस जिसके बेसिस पे तुमने मुझे ईसीआई या इलेक्शन कमीशन बना दिया, वो भी तो बड़ा मैटर करता है। आई होप यू अंडरस्टैंड माय फ्रेंड्स, ओके, वो भी तो बड़ा मैटर करता है। कल तुम मेरा जिस वजह से तुमने मेरे को जॉब दिया, जिस सिचुएशन में तुमने जॉब दिया, तुम बोलो भाई तुमने मेरे खिलाफ डिसिप्लिनरी स्टेप्स लिया, ये लो जी तुम्हारी सैलरी आधी हो गई, ये तुम्हारी अलाउंसेस ज्यादा हो गई। नो, इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है, योर सैलरीज अलाउंसेज एंड प्रिविलेजेस कैन नॉट बी चेंज टू योर डिसएडवांटेज। वर्ड क्या यूज किया है? cannot be changed to your disadvantage once you have assumed office। मतलब सर, मतलब सपोज तुमने आज अक्टूबर में तुमने CEC का पोजीशन संभाल लिया और तुम्हारी सैलरी इज 1 लाख रुपीस, मैं एक बात बोल रहा हूं, तो आज अब जब तक तुम सीईसी हो तो तुम इस 1 लाख रुपीज को 95,000 नहीं कर सकते। भगवान ना करेगा फाइनेंशियल इमरजेंसी वगैरह वो सब बातें अलग होती है, बट नॉर्मल कंडीशन में तुम 1 लाख को 95,000 नहीं कर सकते। 1 लाख को 1,05,000 कर दो, मतलब चेंज करने में मना ही नहीं है, बट यू कैन नॉट चेंज इट टू योर डिसएडवांटेज। मेरी बात समझ में आ रही है? ओके, सो इससे क्या हो जाता है कि तुम मुझ पर पेक्यूनियरी प्रेशर नहीं डाल सकते, फाइनेंशियल प्रेशर नहीं डाल सकते। फाइनेंशियल प्रेशर डालोगे मेरे लिए प्रॉब्लम हो जाएगी एंड आई विल नॉट बी एबल टू फंक्शन प्रॉपर्ली। तो ये हो गया कंडीशंस ऑफ सर्विस। नाउ थोड़ा सा और भी हमारे पास रिलेटिव इम्यूनिटी है। कोई भी रीजनल इलेक्शन कमिश्नर या इलेक्शन कमिश्नर को नहीं रिमूव किया जा सकता एक्सेप्ट ऑन रिकमेंडेशन ऑफ सीईसी। तो यहां सीईसी का रोल बड़ा अच्छा आ जाता है। ओके, इफ यू पे अटेंशन टू दिस पार्ट, ओके, यहां सीईसी का रोल बड़ा अच्छा आ जाता है। ही इज द फर्स्ट अमंग्स इक्वल। तो आप सीईसी से बिना कंसल्टेशन किए the president saab cannot remove the members of the election commission or even the that is the other election commissioners as well as the other regional election commissioner। to yahan par main ye to nahi bolta ki immunity hai ki bhai tum nikal hi nahi sakte, aisa nahi hai, but relative immunity to hai, kam se kam tumhe consultation lena to zaruri hai। to in a way kahin na kahin aur jaise tum is tarah ki consultation lete ho to I hope you are understanding, tumhe just रीजनेबल ग्राउंड्स होने चाहिए, तुम ऐसे ही तो नहीं रिमूव कर पाओगे। तो कहीं ना कहीं ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को रिलेटिव इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है, द मेथड ऑफ रिमूवल। फ्लॉज भी है माय फ्रेंड्स। ओके, को तुमने नोटिस किया जब मैंने इलेक्शन कमिश्नर को अपॉइंट किया, ओके, तो मैंने सीधा बोला या इवन सीईसी को अपॉइंट किया तो मैंने बोला इट बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। तुम्हें मैंने कोई नहीं बात बताई कि क्या क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए, he should be a senior IAS officer, he should have practical knowledge workings, ऐसा कुछ भी नहीं लिखा हुआ। इन अदर वर्ड्स कोई स्पेसिफिक क्वालिफिकेशंस इसमें मेंशन नहीं है। मैं फिर ये बात बोलता हूं, कभी कभी इन्हीं चीजों को आप फ्लेक्सिबल मान सकते हो, ओके, कि यार सर ये फ्लेक्सिबिलिटी इतनी तो होनी चाहिए ना, और कभी कभी इन्हीं चीजों को ओके मैं फ्लेक्सिबिलिटी ना मानकर ओके इट कैन बिकम आर्बिट्ररी। जब भी ग्रे एरिया होता है देयर इज ऑलवेज अ पॉसिबिलिटी ऑफ मिसयूज। ओके, एक और प्रॉब्लम है, अगर तुम्हें याद है तो कैग वगैरह में मैंने बोला था बायस से बचाने के लिए मैं पोस्ट रिटायरमेंट तुम्हें एम्प्लॉय नहीं होने देता गवर्नमेंट ऑफ द यूनियन में या गवर्नमेंट ऑफ द स्टेट्स में, मैं तुम्हें एम्प्लॉयमेंट होने नहीं देता। लेकिन ऐसे चीज को यहां पे बार है। ओके, सो पोस्ट रिटायरमेंट जो नो पोस्ट रिटायरमेंट का जो बार है वो इसमें नहीं है। ओके, इन अदर वर्ड्स तुम इन सीईसी या इलेक्शन कमीशन को ओके तुम पोस्ट रिटायरमेंट गवर्नमेंट ऑफ द यूनियन में एम्प्लॉयमेंट दे सकते हो। अब ये बड़ा रिस्की सिचुएशन हो जाती है। डू यू रियलाइज मैं क्या बोल रहा हूं? ओके, मैं फिर बोल रहा हूं, कहीं ना कहीं इसको आप फ्लेक्सिबिलिटी मान सकते हो, कहीं ना कहीं तुम ये बात बोल सकते हो इट इज गोइंग अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स फॉर इंडिपेंडेंट फंक्शनिंग ऑफ द इलेक्शन कमीशन। सो हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे इन द नेक्स्ट वीडियोज, जब मैं इसमें इलेक्टोरल प्रोसेस को डील करूंगा। तुम नोटिस करो ये अभी एक सिर्फ आर्टिकल 324 हुआ है फ्रैंकली स्पीकिंग। ओके, और कितने क्वेश्चंस पॉसिबल है यहां से, और मेजॉरिटी ऑफ मेरे फ्रेंड्स पे मुझे बड़ा अजीब सी फीलिंग आती है तुम लोग ये खुद कर कैसे लोगे। ओके, आइदर वेज तुम्हें मुबारक, अगर तुम्हें भगवान ने उतनी बुद्धि दी है कि तुम खुद यू कैन सिफ्ट आउट कि क्या काम का है और क्या काम का नहीं और क्या वो पूछते, राइट। अदरवाइज फॉर रेस्ट ऑफ यू who want to join me, please join me on my plus courses. Okay, these courses shall be available to you, just use the code SID, tumhare paise bhi bach jayenge. All right, I welcome you on my plus course. Until next time, thank you, God bless.